Whip! जा रहे जैन सर बढ़ाओ फुल फुल बढ़ाए फुल बढ़ाए बस जैन सर जैन जैन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आप भी खैरियत से। जो एपिसोड आपने देखा, इस एपिसोड के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है और आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि कुछ चीजों को समझना चाहिए हमें। आज तक मैं रिव्यू नहीं किया किसी एपिसोड के हमने, लेकिन ये वो वायद हमारे एपिसोड है जिसके लिए मुझे बात करना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह की एपिसोड हम कभी इस तरह की जगह पे हम गए भी नहीं है। ऐसा जगह जो कचरे से भरमार बाहर और अंदर टूट फूट का शिकार और इतना बड़ा जगह, यानी कि इंसान अगर अकेला दिन में भी जाए ना वो डर जाए, क्योंकि ये जो जगह था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था इस हवाले से क्योंकि यहाँ पे एक कैदी को फांसी दी गई थी और वो कैदी जो लोगों को नज़र आता है, बकौले लोगों ने कहा नज़र आता है। इस एपिसोड के लिए मैंने तकरीबन 1 साल का इंतज़ार किया, तब जाके हमें परमिशन मिली है इस जगह के लिए, क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं दे रहा था इस जगह के लिए, क्योंकि यहाँ पे जाना मौत से मतलब खाली नहीं है। सब कह रहे थे यहाँ पे जाओगे मर जाओगे। बहुत बड़े ज़राए के ज़रिए से हम इस जगह के लिए हमने राज़ी कर दिया अपने गवर्नमेंट के, जो हमारे पुलिस के इदारे थे उनको, तब जाके यहाँ पे हमें मौका मिला। दोस्तों, इस जगह के बारे में आपको पता चल गया है जो आपने हमारे एपिसोड नहीं देखे। अगर आपने हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ये दोनों पार्ट देखे, फिर जाके इस रिव्यू को देख लो, उसके बाद तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर ये जगह क्या था। एक बहुत बड़ा पुराना एक हिस्ट्री, इसके बाद एक पांसी का दोबारा ज़िंदा होना, दोबारा उसका नज़र आना, ये बिल्कुल एक अजीब सा एक वाकया है, एक अजीब सा चीज़ है जो हमें भी बहुत ज़्यादा डरा दिया उसने। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं, अभी आपके सामने आपको कहा जाए भाई फिलहाल बंदा ज़िंदा हो गया तो ज़ाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा वहशत में आ जाओगे, डर जाओगे, ऐसा कैसा हो सकता है। यही बात हमने भी यही सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम वहाँ पे जाएं। हमने जिस तरह उस जगह को देखा, यकीन करें जैसा हमारा पहला नज़र उस जगह पे पड़ा है, जिस तरह कचरे वहाँ पे और वहाँ पर कचरे के बाद जो असर के बाद जो एक टाइम होता है मग़रिब का वक्त, सारे जितने भी उकाब थे वो सारे ऊपर की दीवारों पर खड़े होते थे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक वहशतनाक लग रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पे बहुत ही बुरे मखलूकात मौजूद हैं क्योंकि कई सालों से ये बंद था। आखिर हम जैसे ही इसके अंदर एंट्री कर देते हैं तो ये जगह आपके सामने है। ये दिन के कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह को देख लिया आप। मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और हमने सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन करना था और इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना था कि मर मर के हमने ये सोचा था, क्योंकि 1 साल हमें इस चीज़ के लिए लगा और हमें परमिशन नहीं मिल रहा था। जिसको हम कह रहे थे इस जगह के बारे में, सब ही लोग हमें डरा रहे थे कि भाई यहाँ पे नहीं जाना, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी मौत वाकिया होगी। सब लोगों की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा बातों की वजह से बार बार हमारे टीम मेंबर्स भी कह रहे थे नहीं यार हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जगह सही नहीं है फिर हम क्यों जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना और आपके लिए इस तरह की एपिसोड लाना कि जैसे कि ये एपिसोड था। इतना बड़ा जगह, इसको इन्वेस्टिगेशन करना आसान न था और इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना, चीज़ों को एक एक करके देखना है। हम जैसे एंट्री कर देते हैं, जैसे वहाँ पे लॉकअप वाले जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं इनके करीब हम पहुँच जाते हैं तो एक्टिविटीज़ इस तरह शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे हमें एक जानवर नज़र आता है। सब ये चीज़, ये कुत्ते, ये कुत्ता कैसे आ गया यहाँ पे?
एक मिनट, मामला खराब ना हो जाए। थोड़ा दूर दूर यूसुफ, दूर 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 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तो बंद है, ये दूर से ना, दूर से दूर से दूर से। बताओ तो, बताओ वो एक कुत्ता ना था। लेकिन जैसे हम इसको कह देते हैं जाने का, वो नहीं जाता। बाद में जिस तरह दोबारा मार जाते वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कहाँ चला गया वो कुत्ता, कहाँ भागा? हमारे लाइट, हमारे चीज़ें सब इधर उधर हमने देखा, लेकिन वो कुत्ता चला कहाँ चला गया? ये कोई कुत्ता नहीं था, ये कोई गैर मरी मखलूक था जो हमें नज़र ही नहीं आया। और इस लॉकअप के अंदर हमें एक और वहशतनाक चीज़ नज़र आता है। हम जैसे इन्वेस्टिगेशन कर देता है तो एकदम से लॉकअप के अंदर एक इंसान नुमा कोई चीज खड़ा होता है, सफेद पोश, बिल्कुल लॉकअप से जैसा हमें देख रहा है। उस चीज को जैसे ही हम देखते हैं, यकीन जाने हम लोगों की जितने भी इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार था, जो कि हम प्लान कर रहे थे काफ़ी अरसे से, हम इस तरह प्लान करेंगे भाई, इस तरह वीडियो, हम इस तरह की विजिट करेंगे इस जगह को, वो उसके ऊपर सारा का सारा पानी फैर गया। क्योंकि खौफ ही ज़्यादा इतना आ रहा था कि यार ये चीज़ हमें कैसे नज़र आया, और इतना ख़तरनाक तरीके से बिल्कुल, और एक कैदी जैसे लिबास और बिल्कुल उसका सारा सिस्टम वही कैदियों का, जाहिर सी बात ये चीज़ परेशान कर दिया हमें। और हमने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, हमने कहा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये कि रईब बाबा की वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन को बरकरार रखा। और जैसे चीज़ें जैसे जैसे हमें चीज़ें नज़र आ, जब हम अंदर थे दोबारा अंदर चले गए, चीज़ को देखा नहीं था, तो हम जैसे बाहर की तरफ देखते हैं, वो जो कैदी नुमा था वो दरवाजे के साथ से गुजरा। बाकी हम जाते हैं उस वहाँ पे, देखते हैं यार वो कैदी कहाँ चला गया। बड़ा कोई गली था, वो कितने सेकंड का हमारा फासला होगा, इतनी जल्दी हम वहाँ पे जाते हैं, वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, आसमान कहाँ गया, जमीन कहाँ गया? इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ चला गया यार, रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमें बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे, और ये खौफ हमें हा चुका था। हम खौफ बहुत ज्यादा खौफजदा थे। वहां पे एक्टिविटीज हो रहे थे, वहां पे इस चीज का नजर आना बार बार, क्योंकि सब कह रहे थे कि वो जो ऊपर जो बड़े बड़े जो मोर्चे नजर आते हैं, वहां से इन्होंने पूरी सरकार को गिरा दिया, किसी को नहीं छोड़ा इसने। क्योंकि वो कह रहा है मैं बेरहम, यानी कि मैं बेगुनाह था, मुझे क्यों मारा? उसके बाद लोगों का मारना, इसको खाली कर देना, ऐसा कैसा कौन खाली कर सकता है? यानी कि काफ़ी बड़ा खर्चा आया होगा इस, यानी कि पुलिस स्टेशन को बनाने के लिए, इन्होंने इसको ऐसा कैसे छोड़ दिया, अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ एक कैदी की वजह से जिसको फांसी हो गया, उसके अगले रोज़ यानी कि एक्टिविटी शुरू कर दिया, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि हमें भी नज़र आ रहे थे। क्योंकि सब कह रहे थे कि उसके हाथ में ये होगा, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में ये, यानी तमाम चीज़ों के बारे में कह रहे थे, तलवार है उसके हाथ में, जंजीरों से बांधा हुआ वो नजर आया। और जैसा जहाँ भी हमें नजर आ रहा था, हम जैसे उसके पीछे भागते, वो चीज़ गायब हो जाता। ये चीज़ ज़रा से पता, कोई अगर इंसान होता वो कहाँ चला जाता? मैं बार बार कह रहा था यार ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन दिल में यही कह रहा था यार अगर इंसान है तो वो कहाँ चला गया? न कोई बाहर जाने का जगह है और कुछ, कहाँ छुप जाता? हम इतने फास्ट तरीके से वहाँ पर जाते, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता बार बार। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वहशतनाक था जो कि हमें नजर आया। हम अपनी हिस्ट्री में, यानी कि 5 साल तारीख में, गोस्ट हंटर्स जो कि हम काफी ज्यादा
गोस्ट हंटिंग करते हैं और इन चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं, इन चीज़ों को, इन मामलात को। लेकिन इस जगह के बाद हमारे तासुरात तमाम चेंज हो गए। हमें काफ़ी वक्त हो रहा है, हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप हमारी उलियत अंदाज़ा लगा सकते, हमारे फेस सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी दाढ़ी तक बढ़ गया। हमने काफ़ी वक्त से इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें थी, हमारी पूरी टीम मुबतला हो गया। हम तमाम पूरी टीम के साथ, यानी कि ये सिस्टम हो गया हमारे टीम के साथ कि किसी का दिल नहीं चाहा कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कोई बात नहीं रहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करें। सब ने क्विट करना शुरू कर दिया। जिसने कहा मैं नहीं करूंगा, जो ने कहा मैं नहीं करूंगा, रही बाबा तक जिसके पास इतना खतरनाक हिलम है, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। और यहां तक मैं जहर बलोच, मैंने भी इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आइंदा मैं भी विजिट नहीं करूंगा क्योंकि वो जगह इतना खतरनाक था कि हमारे जिस्मों के अंदर वो जो चीजें जिस तरह हमारे रगों में दौड़ना शुरू कर दी, इस चीज ने हमारे जिस्म तक आ गया। हमें काफी वक्त तक लगा वो कैदी अब तक भी हमारे आस पास मौजूद होता है, हर किसी को नजर आया। हम सफर करते हैं, हमें नजर आया, हम कार में सफर कर रहे थे, हमें वो नजर आया। और उस वक्त हमारे जो सिचुएशन थी, हमने वीडियो बनाना बिल्कुल हमारे दिमाग में आया नहीं। अगर होता तो उस वक्त मैं वीडियो बना देता। हमारी शक्ल सूरत हैरान ज़्यादा रह गया। हम पता नहीं कितने किलोमीटर, 150 या 160 किलोमीटर हम बाहर जाते हैं, वहां पे ये चीज हमें नजर आया था दोबारा। ये बिल्कुल एक अजीब सा हो गया। लेकिन जन अभी भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, मेरा रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। ऐसा एपिसोड बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका पार्ट 3 बनाने का हिम्मत ही नहीं रहा। हम किस तरह बनाते हैं जब हमने क्विट ही कर दिया। हमने काफी टाइम से विजिट नहीं किए, जितने भी हमने एपिसोड देखे वो सारे हमारे पुराने एपिसोड। ये जो लास्ट एपिसोड आप हमारे देख रहे हो ना, ये वाले एपिसोड, इसके बाद हमने कोई विजिट नहीं किया। अब इसके बाद जो हमारे विजिट आएंगे उसमें आप हमारे उलिया देखो, हमारा वहां की दाढ़ी बढ़ी है यानी, वो भी हमारे पुराने एपिसोड है। तो ये सूरत हाल हमारे साथ हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये आप वो उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठाने से पहले आप इस चीजों में आ जाओ, मैं चले देता हूँ आपको, आप आ सकते हैं हमारे साथ इस जगह पर विजिट करने के लिए। किसी में हिम्मत नहीं रहा। सब कह रहे हैं कि भाई अब क्यों गए, अब हम सब पछता रहे हैं वहां पर हम क्यों गए, क्योंकि वो चीजें हमारे साथ हो गए। अब मैं थोड़ा सा इतना ज्यादा बेहतर हो गया हूँ कि मैं तुमसे तो आप लोगों से बात करना मुनासिब समझ रहा हूँ। मैं उस पोजिशन में भी नहीं था कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्लो हम रिकवर हो रहे हैं। बहरहाल आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए और जिस तरह आपने इस एपिसोड को प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ आने वाले तमाम एपिसोड को इस तरह प्यार देंगे। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इन वीडियोस को पसंद करें। ये जो आप जो रिव्यू मैंने डाला है उसको लाइक करना ना भूलें, हमारे लिए दुआ कीजिए। ऐसे चीज़ों के साथ हमने मोड़ ली, आज तक इस तरह नहीं हुआ, पार्ट साल हमें हुआ, इस तरह हमने क्विट किए लेकिन इस तरह नहीं किया। हफ्ता दो हफ्ता, यहाँ तो भाई फरवरी से हमने काम करना छोड़ दिया। आई थिंक वो 13 फरवरी है या 12 फरवरी 2022 से लेकर अब तक हमने कोई विजिट नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चीजों ने हमें कितना डिस्टर्ब किया। तो वहां पे जो चीजें थी, जिस तरह की थी, जिस तरह वहां पे खींचा गया मुझे, बहुत ज्यादा खौफ होता है। इस रूम में डार्कनेस बहुत ज्यादा है, लाइट हमारा लगा हुआ है, मेरा कैमरामैन भी खड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे खौफ आ रहा है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना न्यू इन्वेस्टिगेशन का आगाज करेंगे। और दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिए।